करावे मना चाहिए। सबकी बातों को मैं सुनता हूं लेकिन करता हूं मेरे दिल। सर का जो बात करने का तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके पास इतना बड़ा हुनर होने के बावजूद भी उन्हें चीज का तकबूर नहीं है, उन्हें घमंड नहीं है, उन्हें नाज नहीं है कि साहब मैं इतना भारी हूं, मैं इतना भारी बात का समाज लोगों को सिखाता हूं। नहीं, यही उनके पास बहुत बड़ा खजाना है। उनके पास पैसे कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये खजाना उनके पास बहुत ही मैं जानता हूं। ये ऐसी ऐसी खजानों के लोग बहुत इस दुनिया में कम होते हैं, इस जमीन के ऊपर ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। उस माँ को मैं सलाम करता हूँ जिस माँ की कोख से साहब पैदा हुए। ऐसे दिमाग वाले बंदे इस जमीन के ऊपर बहुत कम पैदा होते हैं, और होने के बावजूद भी उनको अपने कला के ऊपर नाज नहीं होता, उनको अपने कला के ऊपर घमंड नहीं होता, उनको अपने हुनर के ऊपर नाज नहीं होता। वो तकबर नहीं करते और किसी गरीब पर जुल्म नहीं करते। सब तो हर मजहब को लेकर चलते, हर मजहब की बातों को सुनते हैं। इन्हें इससे बोलो उसके इसको मना लेते हैं, इससे बोलो इसको मना लेते हैं, किसी के दिल को दुखाते नहीं। सबसे अहम किसी को दिल को दुखाते नहीं, और जो दिल को दुखाते हैं वो शिकस्त खा जाते हैं। जो किसी के दिल को दुखाते हैं वो हमेशा शिकस्त खाते हैं, और जो दिल का हुनर जीतते हैं वो आसमान की ऊंचाई को छूते हैं। भाइयों मेरे दोस्तों, दिलों पे राज करना सीखो, दिलों को हुकूमत करना सीखो। ये सर से मैंने सीखा, दिलों पे राज करना सीखो, दिलों पे हुकूमत करना सीखो, किसी से मोहब्बत करना सीखो, किसी से प्यार करना सीखो। यही आपके साथ में आ रहा है। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग अली हसन में मर गए, अरे यार बहुत अच्छा आदमी था, ऐसे लोग बाद में लोगों ने नाम देना चाहिए। ऐसा हुनर बनाने के लिए अपने आप को पहले खुद इसको अपने आप को खुद इसके संघर्ष में डुबोना पड़ेगा, इसके संघर्ष में इसमें लड़ाई का उतरना पड़ेगा, इसके संघर्ष में इस लड़ाई में अपने खुद इस क्षेत्र में अपने खुद तलवार लेकर उतरनी पड़ेगी। चाहे वो तलवार को धार हो या ना हो, लेकिन आपने दिखाना होगा कि मैं इस मैदान के क्षेत्र में उतरा हूं। इतना कहकर मैं अपनी तकलीफ को खत्म करता हूँ। और मन कंजे साहब ने जब मुझे यार जो इस मंच पर बोलने की जो संधि दी है, इसका मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र।